तेरी कभी कम न हो। क्या कभी किसी के मरने के बाद भी उसकी सैलरी दी जाती है? क्या कभी किसी मरे हुए इंसान के लिए नाश्ता मंगाया जाता है? क्या किसी मरे हुए इंसान की छुट्टियां सैंक्शन होती है, डेजिग्नेशन बढ़ता है, रिटायरमेंट होती है? क्या मरने के बाद भी उसकी आत्मा देश की सुरक्षा का जिम्मा उठा सकती है? सुनने में ये सब कुछ अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन ये सच है। देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने वाले, अपना जीवन निछावर कर देने वाले बहुत से वीर सपूतों के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। इन वीर योद्धाओं की घटनाएं हमारे अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ाती है। आज हम एक ऐसे भारतीय सैनिक की बात करने जा रहे हैं जिसने अकेले 3 दिन तक लड़ते हुए 300 दुश्मनों को मार गिराया था। हम बात कर रहे हैं 19 अगस्त 1941 में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे एक वीर सपूत जसवंत सिंह की। जान तेरी कभी कम न हो। इनके अंदर देश सेवा का ऐसा जज्बा था कि उन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए वयस्क होने का इंतज़ार भी नहीं किया और आवेदन पत्र भेज दिया, लेकिन 17 साल आयु की वजह से उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद वाजिब उम्र होने पर उन्होंने दोबारा आवेदन दिया और सेना में राइफल मैन के पद पर बहाल हुए। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और वो कार्यरत हो गए। उन्हीं दिनों चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से भारत पर हमला बोल दिया था। इस दौरान सेना की एक टुकड़ी नूरनाग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह भी थे। युद्ध शुरू हो गया और भारत की एक बटालियन को बॉर्डर पर भेजा गया, जहां उन सभी सैनिकों ने डटकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन चीनी सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ऐसे में भारतीय सैनिकों को वापस आने का फरमान भेजा गया। कुछ सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन जो बाकी थे उन्हें वापस बुलाया गया। बचे हुए सैनिकों में जसवंत सिंह भी थे। सेना जब वापस अपने कैंप पहुंची तो उनमें से 3 जीवित सैनिक गायब थे, जो अब भी वहां दुश्मनों का सामना कर रहे थे। ये 3 लोग थे, लांस नायक त्रिलोक सिंह, गोपाल गुसाई और जसवंत सिंह। तीनों वहीं डटे रहे और चीनी सैनिकों का सामना करते रहे, लेकिन इसी दौरान त्रिलोकी सिंह और गोपाल गुसाई शहीद हो गए और बच गए केवल जसवंत सिंह। चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी, ऐसे में जसवंत सिंह ने दिमाग से काम लिया और अलग अलग कई जगह राइफल फिट करके अलग अलग जगह से चीनी सैनिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकदार है। इससे चीनी सैनिकों को लगा कि वहां पर अभी कई सारे सैनिक हैं जो हमला कर रहे हैं, जबकि वहां केवल जसवंत सिंह थे। 3 दिन तक जसवंत सिंह इसी प्रकार से दुश्मनों का सामना करते रहे और वीरतापूर्वक दुश्मनों को मारते रहे। भूखे प्यासे बिना सोए रात दिन चीनी सैनिकों पर उनका ये प्रहार चीनी सैनिकों के गुस्से को बढ़ाता रहा। इन 3 दिनों में अगर उनकी किसी ने मदद की थी तो वो थी उसी गाँव में रहने वाली 2 बहनें, सेला और नूरा। ये दोनों बहनें जसवंत सिंह के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती थी, लेकिन इनके चाचा की मुखबिरी की वजह से चीनी सैनिकों को पता चल चुका था कि 3 दिन से हम किसी बटालियन से नहीं बल्कि मात्र 1 सैनिक से लड़ रहे थे। बमबारी के दौरान नूरा बहनें भी शहीद हो गई। जब चीनी सैनिकों को सच्चाई का पता चला तो वो आग बबूला हो गए और जसवंत सिंह की तरफ चढ़ाई कर दी। अपनी तरफ सैनिकों को आता देख जसवंत सिंह ने खुद को गोली मार ली ताकि उसे गिरफ्तार करके कोई जानकारी ना ली जा सके। जान तेरी कभी कम न हो, ए वतन। जब चीनी सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें केवल जसवंत सिंह की लाश मिली। चीनी सैनिकों का गुस्सा इस कदर भड़क चुका था कि उन्होंने जसवंत सिंह का सर काट कर वहां से ले गए। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। खैर, युद्ध खत्म हुआ और वापस दोनों तरफ शांति हुई, लेकिन चीनी सैनिक और उनके कुछ बड़े अफसर कहीं न कहीं जसवंत सिंह की बहादुरी के कायल हो चुके थे। तेरा महके हमेशा चमन, ए वतन।
जसवंत सिंह के पराक्रम से वो काफी प्रभावित थे, जिसके बाद उन्होंने जसवंत सिंह का सोने का सर बनाकर भारतीय फौज को वापस लौटा दिया। जसवंत सिंह के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज भी उनके नाम का एक मंदिर वहां पर स्थित है। वहीं एक झोपड़ी में उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, तो उनके कपड़े रोज धुलते हैं, प्रेस किए जाते हैं, उनके बूट पॉलिश होते हैं, उनकी सैलरी उनके घर पहुंचाई जाती है। आज भी वहां के लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा यही है और बटालियन की रक्षा करती है। यदि कोई जवान ड्यूटी पर सोया मिलता है तो उसे थप्पड़ मारने जैसी घटनाएं भी सुनने में आती है। वहां जो भी अफसर या जवान आता है, पहले जसवंत सिंह की मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसके बाद वहां से जाता है। एक बार का किस्सा है, जब एक बड़े अफसर अपने ड्राइवर के साथ वहां उनके मंदिर के नजदीक पहुंचे, ड्राइवर ने जसवंत सिंह की मूर्ति को हाथ जोड़ा और अपने अफसर से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन वो ऑफिसर इन चीजों को नहीं मानता था और वहां से ऐसे ही निकल गया। आगे जाकर उसकी गाड़ी किसी छोटी खाई में जा गिरी, जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन वो ड्राइवर बच गया। इस तरह के कई सारे किस्से जसवंत सिंह से संबंधित सुनने को मिलते हैं। इनमें सच्चाई जो भी हो, लेकिन वहां के लोग दृढ़ता से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी प्रहरी बन वही कैंप में घूमती रहती है। 72 घंटों में 300 सैनिकों को अकेले मार गिराने वाले इस वीर योद्धा को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।